इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सोल्यूशन नंबर इसीलिए नहीं आपका मैंने आई एम नॉट रबिट, देखो इंटीग्रेशन आप अपना सोल्यूशन नंबर टू का डी एक्स का देखो फिर आपको जैसे वन माइनस आपका देखो नॉट कॉन्स्टेंट, ये मल्टीपल फॉर्मूला था और यहाँ ये सब मल्टीपल फॉर्मूला लगेगा। cos x is equal to the given one minus two sine square x by two हो जाएगा। अरे इसका हाफ का मतलब सब मल्टीपल हो जाएगा। तो ना बोलो अब आपका इधर ट्रांसपोर्ट जो आएगा तो two sine square x by two और अपन इक्वल टू one minus cos x। तो ना तो this is dx over in place of this under the square root अपन यू लाइक two sine बाहर आ जाएगा, इट विल कम आउट ऑफ द रेडिकल साइन और इंटीग्रेशन साइन तो डी एक्स ऊपर आपको ये हो जाएगा सीधा सीधा साइन एक्स वाई इसका रूट से बाहर आ जाएगा। क्लियर? कई बच्चों को डाउट होगा कि कैसे आया, तो आपको देखो मैं देख सकती हूँ साइन स्क्वायर एक्स वाई टू इक्वल टू साइन एक्स वाई टू का स्क्वायर ए आगे आ जाता है यहाँ बीच में और इन टू रूट अपन वन बाई टू में करने होगा तो दैट्स वाई अपन देखो साइन एक्स बाई टू यहाँ पे फिर रेसिप्रोकल यानी कि वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आपका लिखते हैं कॉस ऑफ थीटा लिखते हैं वन अपॉन रूट टू ये आपका जो है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू। अब इसको लेकर के आप कहाँ आगे रिड्यूस करके आपने देखो इंटीग्रेट को रिड्यूस करके आप कहाँ लिया है कॉसेक एक्स डी एक्स। अब ये अब इंटीग्रेशन करना है इसको वन अपॉन रूट टू ऐसे ही रहेगा कॉसेक एक्स बाई टू का देखो कॉसेक एक्स बाई टू का देखो ई क्या है ना लॉग मॉड में कॉसेक एक्स बाई टू माइनस कॉट एक्स बाई टू ये हुआ और अपॉन फिर एक्स बाई टू का अगेन वन बाई टू का भी होगा याद रखेगा। अब ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू टू अपॉन रूट टू ए इज सेपरेट एंड बी 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 बाई सी सेपरेट अपन ए सी बाई बी हो जाता तो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग अप एंड अपन को दिस इज लॉग अपन दिस इज कॉसेक कॉसेक एक्स बाई टू माइनस कॉट एक्स बाई टू एक्स सेपरेट इससे ये कैंसिल हो जाएगा वन टाइम रूट टू टाइम मतलब वन टाइम का होता रूट टू टाइम जो मैंने कहने का बता रहा हूँ x by 2 और minus अपने नंबर से cot x by 2 अपने से this was your answer please।